हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में आप भी सोच रहे होंगे क्या प्रेगनेंसी में अंडा खाना सेफ है या नहीं है, तो इसी बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अंडा सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। अंडे में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन अंडे को लेकर ये सवाल सामने आता है कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं अंडे का सेवन कर सकती हैं या नहीं। जाने क्या है प्रेगनेंसी में अंडे खाने के नियम और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अधिकतर लोग सुबह नाश्ते के समय अंडे का अलग अलग तरीकों से सेवन करते हैं। अंडे को सेहत के लिए काफी हेल्दी माना जाता है, लेकिन सवाल उठता है फ्रेंड्स कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान अंडे का सेवन किया जा सकता है या नहीं। मां बनने वाली बहुत सी महिलाओं के मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या उनके लिए अंडे खाना सेफ है या नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, क्या प्रेगनेंसी के दौरान अंडा खाना सुरक्षित है या नहीं। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है फ्रेंड्स, तो वो डॉक्टर ऐसी चीजों की लिस्ट बनाते हैं जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना चाहिए। इस लिस्ट में कच्ची और आधी पकी हुई चीजों को भी शामिल किया जाता है। कच्ची और आधी पकी हुई चीजों में बैक्टीरिया होने का चांस ज्यादा रहता है, जो प्रेग्नेंट महिला और उनके बच्चे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आमतौर पर फ्रेंड्स, नॉर्मल लोग इन कच्ची या आधी पकी हुई चीजों का सेवन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उनका इम्यूनिटी सिस्टम काफी मजबूत होता है। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का इम्यूनिटी सिस्टम काफी कमजोर हो जाता है, और जिससे उन्हें हर एक चीज सोच समझ के खाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अंडे का भी सेवन एक प्रेग्नेंट लेडी को सोच समझ के भी करना पड़ता है कि उन्हें अंडे का सेवन करना है या नहीं करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड्स बात ये आती है कि प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह के अंडे का सेवन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको शायद इस बात का पता होगा कि अंडे से साल्मोनेला नामक बीमारी होने का खतरा काफी ज्यादा रहता है, जो आपके और आपके बच्चे के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि क्योंकि इसमें अंडे का इस्तेमाल किया जाता है और अंडे में अनेकों गुण पाए जाते हैं। बहुत से लोग अंडे को पूरा पकाकर खाते हैं, जबकि कुछ लोगों को आधा पका हुआ और आधा मतलब पसंद आता है अंडा, जबकि बहुत से देशों में कच्चे अंडे के पीले भाग को पके हुए खाने में मिक्स करके भी खाया जाता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कच्चे अंडे का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं को ऐसी चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए जिसमें कच्चे या आधे पके हुए अंडे का इस्तेमाल किया गया हो। प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स, अगर आप कच्चे और आधे पके हुए अंडे का सेवन करती हैं, तो इससे कई तरह की बीमारी आपके बच्चे के पास हो सकती है और कई तरह के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह हमें अंडे का सेवन पका के करना चाहिए। और फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अंडा खाने से पहले उसे अच्छी तरह से पकाएं और ध्यान रहे कि अंडे का पीला भाग बहने वाला ना हो, और अंडे को पूरा पकने के लिए लगभग 10 से 20 12 मिनट तक का समय लगता है। अगर आप फ्राई और अंडे का सेवन कर रही हैं, तो इनमें दोनों साइड में 2 से 3 मिनट तक पकाएं। और सुपरमार्केट से अंडे खरीदते समय ध्यान रखें कि ऐसे अंडे खरीदें जिसमें पेस्टेलियुलाइज्ड लिखा हो। और फ्रेंड्स, इसके अलावा प्रेगनेंसी में अंडा खाने के फायदे। प्रेगनेंसी में अंडा खाने किसी भी महिला के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है, लेकिन फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह पका होना चाहिए। और अंडों में फैट, प्रोटीन और बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हाई प्रोटीन और हेल्दी फैट युक्त चीजों का सेवन करने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है, जिससे जेस्टेनल डायबिटीज का खतरा कम रहता है। और फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान कई बार महिलाओं को जेस्टेनल डायबिटीज का सामना करना पड़ता है। कुछ खास तरह के अंडों में विटामिन डी पाया जाता है। जिन मुर्गियों को ऑर्गेनिक तरीकों से बड़ा किया जाता है, उनके अंडों में विटामिन डी की भारी मात्रा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि बच्चे के लिए कैसे है फायदेमंद अंडा। तो अंडे में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बच्चे की वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। ये विटामिन B12 और कोलिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो स्वस्थ मानसिक और विकास में भी योगदान करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कि अधिकतर लोग सुबह के नाश्ते में भी अंडे का सेवन करते हैं।
तो फ्रेंड्स अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अंडे का आप सेवन बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको पके हुए अंडे का सेवन करना है और ज्यादा अंडे का सेवन आपको नहीं करना है। दो, एक से दो अंडे आप दिन में सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।